नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, आप देख रहे हैं आरएसएन एक्सप्रेस। जैसे कई दिनों से ये कयास लगाए जा रहे थे निकाय चुनाव की घोषणा होने के बाद कि बरवाला की जो सीट है जेजेपी के हक में आई, अलायंस की सरकार थी, फिर एकदम से भारतीय जनता पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की, उसको लेकर अलग अलग तरह की बातें बन रही थी। उन बातों पर कल जैसे विराम लग गया, क्योंकि ज्वाइंट चुनाव लड़ेंगे भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी, और ये जेजेपी के हक में ये सीट आई है, और वहां से कि रामकेश बंसल जो हैं वो नॉमिनेशन फाइल करेंगे। अभी हमारे साथ हैं विधायक जोगीराम सिहाग जी, इनसे जानते हैं पूरा कार्यक्रम क्या है और क्या कहेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते शर्मा जी। सर, कई दिन से तो बातें बड़ी चर्चा में गर्म था कि माहौल पता नहीं किसके हक में ये सीट आनी है, क्या होगा, अलग अलग लड़ेंगे या इकट्ठे लड़ेंगे, लेकिन कर विराम लग गया कल, तो आप क्या कहेंगे? गर्म थे नहीं थे मुझे पता नहीं, मैं 10 दिन से बाहर था जी, आप लोगों ने मिला भी नहीं हूँ, और कल रात को आए थे, परसों आते ही पार्टी की मीटिंग थी और पार्टी ने जो फैसला किया हुआ था उस हिसाब से कल हमने अनाउंसमेंट कर दी। और जैसे कल के घटनाक्रम हुआ, एक भाई बीजेपी और जेजेपी इकट्ठा लड़ेंगी तो अच्छी बात है, उसका स्वागत है और बहुत अच्छी बात है कि दोनों पार्टी एक विचारधारा की हैं, इसलिए इकट्ठा चुनाव लड़ना अच्छी बात है। बाकी फिर भी ये था कि भाई चलो दो पार्टियां हैं, यदि अगर अलग अलग लड़ रही थी तो जननायक जनता पार्टी का तो शुरू से ही मानना था कि भाई इकट्ठा चुनाव लड़ें। बीजेपी के कहीं ना कहीं संगठन के अंदर पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका दबाव था, अब क्यों ना हम अलग से लड़ा जाए चुनाव, तो उसका मद्देनजर रखते हुए हो सकता है पार्टी ने उस समय फैसला लिया हो कि भाई मतलब जो अलग अलग लड़ने में भी कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब जो हुआ वो और अच्छा होगा, अब दोनों पार्टियां सरकार इकट्ठी चला रही हैं तो चुनाव भी हर चुनाव जो है मिल के लड़ना चाहिए, ये अच्छी बात। तो आपको नहीं लगता जैसे अलग अलग लड़ रहे थे उस टाइम कांग्रेस पार्टी को फायदा होने जा रहा था, इसी को देखते हुए दोबारा से आप लोग इकट्ठे हुए? ना, ऐसी बात नहीं थी, कांग्रेस तो है ही ना, कांग्रेस तो चुनाव लड़ ही नहीं रही है, फायदा तो तब होता है कांग्रेस को जब वो चुनाव लड़ती, चुनाव तो बीजेपी और जेजेपी ने ही लड़ने का मन बनाया था, तो ये दोनों ही मतलब जो है एक जब सरकार ऊपर वाली इकट्ठी चला रहे हैं तो जो लोकल सरकार जिसको बोलते हैं, छोटी सरकार जो बोलते हैं, वो भी क्यों ना मिल के चलाई जाए, अच्छी बात है ये। जैसे आपने तो पहले ही इशारा कर रखा था कि जेजेपी का यहाँ से कैंडिडेट होगा और रामकेश बंसल ही यहाँ से जैसे उम्मीदवार होगा, इस तरह के इशारे बरवाला में हम जा रहे थे तो सुनने को मिला था, और दुरुस्त हुआ क्योंकि आपने जो अनाउंस किया था, एक तरह से लोगों को इशारा किया था, उसी पर मोहर लग गई और चुनाव मैदान में उतर भी गए। तो आज नॉमिनेशन होना है, कितनी भीड़ होगी और किस तरह से रहेगा कार्यक्रम? देखो, भीड़ की बात तो ऐसे है कि मतलब जो गर्मी का मौसम है, भीड़ भाड़ कोई मैंने नहीं रखती, कम होगी ज़्यादा होगी, लेकिन मेरी जो सोच थी वो पब्लिक के हिसाब से थी, यदि अगर पब्लिक का सोच करके ही मेरा मन बना होगा तो इसलिए लोगों ने कर दिया, लेकिन अनाउंसमेंट तो कल ही हुई है, उससे पहले कोई अनाउंसमेंट नहीं थी हमारी। तो आप क्या कहेंगे जैसे कि चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी इकट्ठी चुनाव लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी की तरह पूरा सपोर्ट मिलेगा जेजेपी को? हाँ, पूरा सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि पहले भी जो है इकट्ठे पीछे जो थे, जो भी काम हुआ, जो भी फैसले हुए तो मिलजुल के फैसले किए, और अभी जैसे ही ये फैसला हुआ, मैंने कैप्टन भूपेंद्र जी जो जिला अध्यक्ष हैं उनका भी टेलीफोन लगाया, तो उनका बीजी आ रहा था अभी आ जाएगा, तो मिलजुल की बात करेंगे कैसे करना है दोनों पार्टियां मिलके, और मैं उनसे अभी संपर्क करूंगा, तो दोनों मिलके चुनाव लड़ें, दोनों पार्टियों कार्यकर्ता जो है पूरा तन मन धन से जो भी हमारा साझा उम्मीदवार है उसके पक्ष में प्रचार करेंगे और उसके लिए वोट मांगेंगे हम सभी। अभी हमने बातचीत की, कुछ घंटों बाद फिर हम लोग मुलाकात करेंगे बरवाला में, नॉमिनेशन फाइल कराने के लिए स्वयं जाएंगे विधायक जी। सर, आरएसएन में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो बने रहिए आरएसएन के साथ, फिर वहाँ की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते रहेंगे।